Hi everyone, my name is Rohit Garcha. Welcome to Abhimanyu IAS. Abhimanyu IAS is a platform which prepares you for your UPSC and various PCS examinations. It has more than 23 years of experience in this particular field, has delivered more than 2200 positive results since 1999. And this series is called To The Point, jahan pe hum to the point tarike se करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्वेश्चन प्रीलिम के अंदर आ सकता है या क्या पार्ट जो है वो प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली, इफ यू वांट टू एंश्योर योर सिलेक्शन, सो देयर इज दिस कोर्स विच इज गोइंग ऑन, जिसमें आपको 7 days फ्री ट्रायल भी मिलेगा. लिंक इज डाउन देयर और ये दिस इज द फ्री ट्रायल, चेक इट आउट. एंड करंट अफेयर्स है इसमें प्री एंड मेंस का डिस्कशन बेस्ड, इसमें जो है आपकी क्लास रहती है और इट इज डन वंस यू कवर करंट अफेयर्स हेयर एंड यू आर यू कैन बी अश्योर्ड कि हो गया है. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट दोनों में है ये, सो ईज ऑफ एक्सेस इज देयर. चलिए आज की स्कीम पे चलते हैं, विच इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स. कुछ बेसिक चीजें इसमें देखेंगे कि स्टार्टअप्स को कौन दे रहा है पैसा, क्रेडिट गारंटी हो रही है ना, किसके थ्रू देंगे, इसको कितना मिलेगा, अपर लिमिट क्या है, वो सारी चीजें देखते हैं इसमें अभी हम. DPIIT है ना, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज नोटिफाइड कि ये क्रेडिट गारंटी स्कीम होगी स्टार्टअप्स के लिए. तो क्यों, क्या करेगी उनको ये, कोलेट्रल फ्री लोन्स देगी. कोलेट्रल मतलब कुछ गिरवी रखे बिना, कोलेट्रल फ्री लोन्स अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट. एम क्या है इसका, प्रोवाइडिंग. अब देखो यहां पे ना हर कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है और इन केस आपको इनमें से कोई वर्ड नहीं पता तो लाइक मेक इट अ टास्क एंड उसको समझ लीजिए कि क्या कहने की कोशिश हो रही है. क्रेडिट में और क्रेडिट गारंटी में फर्क होता है. प्रोवाइडिंग क्रेडिट गारंटी अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट अगेंस्ट लोन्स एक्सटेंडेड बाय MIs मेंबर इंस्टीट्यूशंस. MIs बेसिकली आपके ये आप इसको पढ़ लेना वैसे, पर MIs बेसिकली आपके बैंक्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है ना, और NBFCs, ये सारे MIs में आते हैं. मेंबर इंस्टीट्यूशन टू फाइनेंस एलिजिबल बोरोज जो कि हैं स्टार्टअप्स एज डिफाइंड इन दी गेजेट नोटिफिकेशन इशूड बाय DPIIT. और वो जो स्टार्टअप्स की डेफिनेशन है कि पिछले 10 साल से कम का होना चाहिए है ना, एंड ये एक नई एंटिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने किसी स्टार्टअप, कोई ऑलरेडी कंपनी है उसको रीनेम कर दिया और बोल दिया नई कंपनी और स्टार्टअप कर दिया, आप कंपनी को स्प्लिट नहीं कर सकते. तो ये सारी चीजें उसमें है कि एक कंपनी ऑलरेडी है, आपने स्प्लिट किया, इसको भी स्टार्टअप बोल दिया, इसको भी स्टार्टअप बोल दिया और जितनी भी हमारी इस टाइप की स्कीम्स है उसका फायदा ले लिया नहीं. तो गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर इस टाइप की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी. ये एक साइड नोट पे मैंने आपको चीज बताई है. कमिंग बैक टू द स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, पर्पस क्या है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट गारंटीज टू लोन्स एक्सटेंडेड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स NBFCs एंड सेबी के अंडर जो आता है रजिस्टर्ड AIFs अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. तो इन सब से जो लोन आता है उसके लिए क्रेडिट गारंटी देगा. द क्रेडिट गारंटी कवर अंडर द स्कीम वुड बी ट्रांजेक्शन बेस्ड एंड अम्ब्रेला बेस्ड. इसको थोड़ा समझते हैं कि ट्रांजैक्शन बेस्ड और अम्ब्रेला बेस्ड कैसे. ट्रांजैक्शन बेस्ड कैसे होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बेस्ड गारंटी कवर, द गारंटी कवर इज ऑब्टेन्ड बाय द MIs ऑन अ सिंगल एलिजिबल बोरोअर बेसिस. फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टार्टअप हो जिसको क्रेडिट की जरूरत है ना, और आप कोलेटरल दे नहीं रहे हो, आपके बिहाफ पे ये स्कीम के थ्रू गारंटी मिलेगी उस बैंक को जिससे आप लोन लेने जा रहे हो, राइट. तो बैंक हर एक इंडिविजुअल स्टार्टअप वाले को एक अलग से जो स्कीम के थ्रू है गारंटी उसको अलग से आएगी. तो ये वो है कि हर ट्रांजैक्शन बेस्ड गारंटी मिलेगी, इसका मतलब ये है. और ये देखो जो हम पहले बात कर रहे थे MIs क्या होते हैं, MIs इंक्लूड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, बैंक्स, FIs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFCs है ना, जो एंगेज है इन वॉट लैंडिंग और इन्वेस्टिंग में एंड कंफॉर्मिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्रूव्ड अंडर द स्कीम. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हम देख लेते हैं उसके अंदर क्या है, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, बस यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है कि किसके थ्रू आएगा, क्रेडिट गारंटी का क्या मतलब है. सरकार इज नॉट गिविंग पैसा डायरेक्टली, इट इज प्रोवाइडिंग क्रेडिट की गारंटी कि यार तुम दे दो इसको,
अगर इसने नहीं चुकाया तो मैं देख लेता हूँ फिर, तो ऐसा सा कुछ सीन है इसके अंदर। और किसको देना है, इसके लिए थोड़े से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, दैट इज द जिस्ट ऑफ द होल स्कीम जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन बेस्ड गारंटी विल प्रमोट लैंडिंग बाय बैंक्स एनबीएफसीज टू एलिजिबल। अब देखो क्योंकि हम गारंटी दे रहे हैं बैंक वालों को कि यार कोई बात नहीं आप लोन दे दो, तो इससे ये भी प्रमोट होगा कि जो फॉर्मल लैंडिंग है इन सारी मार्केट के अंदर, इस इकोनॉमी के अंदर, वो प्रमोट होगी कि आप जाओ लो लोन बैंक से। सेकेंड वन इज अम्ब्रेला बेस्ड गारंटी कवर। अम्ब्रेला बेस्ड गारंटी कवर विल प्रोवाइड गारंटी टू VDFs, वेंचर डेट funds, है ना, रजिस्टर्ड अंडर AIFs के अंदर है, कि एक पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जो आगे आगे लोन देती है बिना पूछे कि इंडिविजुअल कौन है, हमने उनको दे दिया, विच आर वेंचर डेट funds, है ना, इन्वेस्टमेंट funds को दे दिया कि वो जो आपस में मैनेज करते रहते हैं, है ना, उनको हमने लोन प्रोवाइड कर दिया, तो ये एक अम्ब्रेला लोन हो गया। तो ये दो तरीके से, इंडिविजुअल को भी है और एक अम्ब्रेला बेस्ड गारंटी स्कीम भी है ये, ठीक है। अब देखिए, द एक्सपोजर टू इंडिविजुअल केसेस वुड बी कैप्ड एट ₹10 करोड़, एट 10 करोड़ पर केस, और द एक्चुअल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अमाउंट, जितना पहले लोन रखे उसका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अमाउंट है, विच एवर इज लेस, मैक्सिमम 10 करोड़ है इसमें। तो इन केस प्री में क्वेश्चन आता है कि द लिमिट इज मैक्स 10, वॉज मैक्स 10 करोड़, तो वो स्टेटमेंट जो होगी वो होगी सही। तो ये इसका वो मतलब है। DPIIT will constitute a management committee and a risk evaluation committee for reviewing, supervising and operational oversight of the scheme. ये एक direct statement देखो आपको देखने को मिल सकती है कि in context of this particular scheme, which of the following is correct? तो वहाँ पे आपको ये statement देखने को मिलेगी कि वो आपको एक मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म करेगा और साथ ही साथ एक रिस्क इवैल्यूएशन कमेटी अलग से फॉर्म करेगा, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। और इसका ऑपरेटर कौन है, द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, इसको बोलते हैं NCGTC, ये है विच विल बी ऑपरेटिंग द स्कीम। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ सकते हो, क्लैरिटी हो जाएगी, और ट्रस्ट क्या होता है और ट्रस्टी कंपनी का क्या मतलब है, इस सब चीजों को सर्च करोगे तो इट विल हेल्प यू गाइड थ्रू राइट आंसर्स, है ना, आपको थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन को समझना और इस टाइप के टर्म्स पता है, तो डू इट। क्लास के अंदर हम ये जरूर करते हैं, इस टाइप का कोई भी टर्म आता है, सो इट इज अ टास्क फॉर मी कि इसका एग्जैक्ट मतलब सबको पता हो, ताकि इन फ्यूचर कभी इस टाइप का कोई वर्ड उनको सुनाई भी दे तो कॉन्टेक्स्ट एकदम से क्लियर हो जाए कि अच्छा ये बात हो रही है। यहां देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसकी हम बात कर रहे थे, स्टार्टअप्स दैट हैव रीच द स्टेज ऑफ स्टेबल रेवेन्यू। एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये मतलब नहीं है कि स्टार्टअप किसको कंसिडर किया जाएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ताकि आप इस स्कीम के अंडर लोन उठा सको कोलेटरल फ्री, वो वाला है। और ये किन पे लागू होगी, वो वाले स्टार्टअप जो कि DPIIT ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किए हुए हैं ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू, जो उनकी लिस्ट है ये अलग है, ये स्कीम स्पेसिफिक लिस्ट है। स्टार्टअप दैट हैव रीच्ड the stage of stable revenue over a 12-month period as assessed by audited monthly statements, ठीक है, 12 महीने से उनको एक stable revenue दिखाना है, और जो statements है audited statement के थ्रू ये आपको क्लियर होता है कि 12 मंथ में जो इसका है stable revenue आया है या नहीं। सेकेंड इज नो डिफॉल्ट टू एनी लैंडिंग इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब फेयर इनफ, नॉट क्लासिफाइड एज अ NPA अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस, ठीक है, NPA नहीं होना चाहिए आपके ऊपर कुछ भी, और कोई आपका आउटस्टैंडिंग, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए लोन पे, आउटस्टैंडिंग लोन हो सकता है, डिफॉल्ट लोन नहीं होना चाहिए। चलिए इसकी जो एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, हालांकि इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, पर फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन को देखिए एक बार और पॉज द वीडियो, यू कैन मार्क द आंसर एज वेल। आई विल बी मूविंग ऑन। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स इज मॉनिटर्ड बाय विच मिनिस्ट्री, बहुत सिंपल फेयर इनफ क्वेश्चन, एंड अभी हमने देखा कि DPIIT के थ्रू हो रहा है ये, एंड विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो दिस वॉज आर टूडेज टॉपिक, लिंक इज डाउन देयर, यू कैन चेक द फुल क्लासेस, टेक 7 डेज फ्री ट्रायल। माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यु IAS।